रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप समझ लें, दो किस्म के एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम आई लेवल से ऊपर देखें, यानी कि ये आपका आई लेवल है, अगर आप आंख इधर रखते हैं और ये स्ट्रेट लेवल बन जाता है, तो अगर कोई भी एंगल ऊपर की तरफ बनाएं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इस तरह कोई भी एंगल अगर नीचे की तरफ देखें तो वो एंगल क्या कहेगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। मतलब आप अपनी आंख को सीधी रखें तो ये आपका आई लेवल है, अगर आप सूरज की तरफ या चांद की तरफ देखें तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, या फर्श पर पड़ी कोई चीज़ को देखें तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हर एक स्टेटमेंट के लिहाज से एक राइट एंगल ट्राइंगल सिंगल या डबल एंगल वाली बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास सिंगल ट्राइंगल्स बनेंगी और उसके बाद डबल ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल, उसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते जाते हैं और साथ साथ डायग्राम बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है, पोल कहते हैं खंबे को। एक आपके पास वर्टिकल पोल है, ये आपने पोल बना दिया जिसकी हाइट आपको बताई गई है 8 मीटर, इसकी हाइट है अ वर्टिकल पोल ऑफ 8 मीटर हाइट। हमने एक वर्टिकल पोल बना दिया, खंबा बना दिया जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर, और इसका जो नीचे इधर साया बन रहा है वो कितना है, 6 मीटर है। तो हमने साया बनाया और लिख दिया 6 मीटर। उसके बाद लिखा हुआ है वट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट। वहाँ पर सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, यानी कि इस पोल से मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, सन है आपके पास, ठीक है, तो ये जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनता है, ये आपने फाइंड करना है। तो अगर इसी लाइन को मैं डाउनवर्ड ले आऊँ तो ये जो एंगल है ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा आपने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर नॉमिनेट करके लिखना चाहें तो आप ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल सिंपल सी बना सकते हैं। ये आपके पास एंगल है थीटा जो आपने फाइंड करना है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है जो 8 है और बेस क्या है, 6 है, 7 मीटर लिखा हुआ है, तो इसमें यूनिट्स का काफ़ी ख्याल रखना है, तो आपने यूनिट भी लिखने हैं। उसके बाद आप लिखते ए बी और सी। ए के सामने वाले जो साइड होगी वो स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड सी। अब यहाँ पर कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा कैलकुलेट करके दें, तो आपने सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, टैन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है और बेस क्या है, बी है, ये फार्मूला हम लगा देंगे, टैन थीटा बेस की जगह पर 8 आ जाएगा, और सॉरी परपेंडिकुलर की जगह पर 8 आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 8 है और जो बेस है बी वो 6 सेंटीमीटर है। थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास टैन इनवर्स 8/6। टैन इनवर्स 8/6 आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर सबसे पहले रीसेट कर लेना है, शिफ्ट रीसेट, उसके बाद आपने 3 का बटन प्रेस करना है, 3 इक्वल और एसी, तो कैलकुलेटर आपका रीसेट हो जाएगा। सिंपल आपने शिफ्ट टैन प्रेस करना है, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है 8/6, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि एंगल हमेशा हम डिग्री और मिनट्स में लिखते हैं, तो आपने ये वाला बटन प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री 7 मिनट्स। तो 53 डिग्री 7 मिनट आपके पास आंसर आ रहा है इसका। तो अगर हम 7 को राउंड ऑफ करें क्योंकि ये 45 से ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे 53 डिग्री और 8 मिनट्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके लिहाज से ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल बनाने के बाद क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा पूछा गया था, थीटा आपने फाइंड कर देना है और लास्ट में लिख देना है यही आपके पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको लिख देंगे, एलिवेशन किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, और आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व होकर आ चुका है। तो हम चलते हैं इसके 12.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर लिखें, साथ लिखें बाय उमर साजिद 11 क्लास मैथ लिख दें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन की तरफ जाना है तो साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख दें तो उसके साथ भी आपको
वीडियो मिल जाएगी। बेहतरीन क्या है, आप लिखें एक्सरसाइज 12.3 क्लास 11 मैथ बाय उमर साजिद, तमाम वीडियोज़ एक लाइन में आ जाएंगी और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसे देखकर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।